हेलो एवरीवन, आई एम मोजिम। वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जो आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 मैथ्स से है। तो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होता है। सपोज कोई भी दो नंबर है, ए प्लस बी, वो किसका इक्वल होगा? इसका। ठीक है, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू सी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं दो कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर को मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो ये क्या आएगा मेरा, यहाँ पे ये 7 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसका इक्वल है। और सपोज मैं कोई भी दो होल नंबर्स को प्लस करता हूँ या नेचुरल नंबर को प्लस करता हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, अगर मैं नेचुरल नंबर से कर रहा हूँ। अगर मैं दो होल नंबर से प्लस कर रहा हूँ, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। तो यही चीज, यही प्रॉपर्टी हम लोग रैशनल नंबर में चेक करेंगे, अलग अलग सपोज एडिशन में चेक करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, डिवीजन में चेक करेंगे कि वहां पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है कि नहीं। तो सबसे पहले दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं, यहाँ पे 5 बाय 7 प्लस 3 बाय 7 इक्वल्स टू कितना आया, 7 कॉमन 5 प्लस 3 8। तो मेरा क्या आया, क्या आया यहाँ पे, एक रैशनल नंबर आया, राइट। जब मैंने दो रैशनल नंबर को प्लस किया, मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अनदर रैशनल नंबर आ रहा है, और ये इसका इक्वल है, राइट। और एक एग्जांपल देते हैं, इसमें लेते हैं 2 बाय 8 प्लस 4 बाय 6 ले लेते हैं, है ना। अब जो ये क्या है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें प्लस कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज भी करा देता हूँ यहाँ पे, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा एक साथ, जो लोग थोड़ा बहुत भूल चुके हो। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 3 कैरी होगा, क्योंकि नहीं जाएगा 2 के टर्म में, तो 2 1 2 3 अगेन कैरी, अब सिर्फ 1 और यहाँ पे 3 है, तो 3 1 3, तो यहाँ पे क्या है, 2 into 2 into 2 into 3, 4 8 2 6 2 4, ओके, कूल। सो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो यहाँ पे क्या आया, एलसीएम 24। So, अभी चेक करेंगे 8 के टेबल में कहाँ पे 24 आता है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 8 3 24, वो जो 3 है ना उसको न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे, तो 8 3 24, 3 2 6 खलास। अभी 6 को किससे इंटू करने से 24 आएगा, 4 से, 6 4 24, वो जो 4 आया ना न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे, ऊपर भी 4, तो 4 4 6, कैसे, 6 को किससे इंटू करने से 24 आएगा, 4 से, 6 4 24, तो ये जो 6 into 4 है ना, इस 4 को न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे, 4 4 16, तो आ गया ये कितना, 16 आ गया। तो 16 प्लस 6 कितना होगा, 22 बाय 24, तो 22 बाय 4। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा रैशनल नंबर है और ये भी मेरा एक क्या है, रैशनल नंबर। तो जब मैं दो रैशनल नंबर्स को प्लस करता हूं, तो मेरा अगेन क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, राइट, और ये इसका इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि एडिशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। सो वी कैन से दैट, अगर हम स्टेटमेंट में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन में रैशनल नंबर्स क्या होता है, क्लोजर होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे, सॉरी क्लोजर नहीं, क्लोज्ड होगा। ठीक है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ओके। सो एडिशन में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। यही चीज हम लोग चेक करेंगे अभी सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। और पेन और कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा, विदाउट पेन और कॉपी सिर्फ देखने से काम नहीं बनने वाला है ना। और मैथ्स तो ऐसा चीज है जिसको आप करोगे, अब कोई भी चीज, सिर्फ मैथ्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, लिख के प्रैक्टिस करो ना, ये हैबिट तुम डालोगे ना, तो फिर तुम मतलब कोई भी एग्जाम दोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर करो, क्वेश्चंस का आंसर करो, तो बहुत ईजी रहेगा,
मतलब इसलिए प्रैक्टिस लिख के, तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करने का ये होना चाहिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी सपोज ए माइनस बी तो इक्वल्स टू सी होता है, किसके हिसाब से? ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लोजर प्रॉपर्टी ए माइनस बी अगर मैं करता हूँ वो इक्वल होता है किसका? सी का। तो यहाँ पे भी वही होगा, सपोज दो मैं इंटीजर्स को यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मेरा ये जो आएगा ना आंसर वो भी इंटीजर ही होगा। सपोज मैं नेचुरल नंबर दो को माइनस कर रहा तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा और ये क्या इसके इक्वल होगा, राइट? तो वही चीज हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर में। 5/8 माइनस 4/8 कितना होगा? 1/8। अगेन ये भी रैशनल नंबर है, राइट? और ये इसका इक्वल है ना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक लेते हैं, दूसरा एक लेते हैं यहाँ पे। तो फटाफट करने के लिए मैं लाइव क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 12/8 माइनस 16/8, ठीक है? ये तो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है? मैं इसको इजी मतलब टाइम ताकि ज्यादा ना ले इसलिए जल्दी जल्दी मैं लाइक फ्रैक्शंस में ये कर रहा हूँ। तो इसमें 8 है, तो ये 16 में कितना होगा? 4 माइनस 4 आएगा, राइट? तो ये मेरा -4 आ गया, राइट? तो ये इसका इक्वल है और यहाँ पे फिर से मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर आया, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड हो रहा है रैशनल नंबर्स में, राइट? ठीक है, जब रैशनल नंबर्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो मेरा दूसरा रैशनल नंबर आ रहा है, दोनों इक्वल है, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फिनिश। अभी हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्या मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी यूज मतलब अप्लाई होता है कि नहीं, चेक में देखेंगे अभी ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे वही होगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू सी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, ए इंटू कोई भी दो नंबर को इंटू करते तो इक्वल होगा इसका, है ना, राइट? तो दो रैशनल नंबर्स लेते हैं फटाफट, 5/, अरे अगेन 5, ये 5 ही क्यों चल रहा है यार दिमाग में? तो दूसरा लेते हैं 6/4 इंटू 3/2 ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा? 6 3 18, 4 2 18, ठीक, 18/8 आया। तो क्या हुआ, ये इसका इक्वल है और मेरा जब मैंने दो रैशनल नंबर्स को मैंने इनटू किया तो मेरा क्या आया, अगेन एक रैशनल नंबर आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3/5। अब तुम बोल सकते हो सर जी ये तो आप बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, बड़ा नंबर लो तो जानू, ठीक है बड़ा नंबर लेते हैं, नो वरीज, 12/16 × आना क्या है, वही आएगा 4, ठीक है? 8 2 कितना है, 16 96, 4 6 4 2 4 5 64, तो 96/64, तो 96/64 वही रैशनल नंबर ही है ना। तो दो रैशनल नंबर को इंटू करने से मेरा क्या आ रहा है, फिर से एक रैशनल नंबर आ रहा है, दोनों इक्वल है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ क्या, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा? क्लोजिंग प्रॉपर्टी। खत्म। अब चेक करते हैं लास्ट फटाफट डिवीजन में, डिवीजन में ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से क्या है, ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू सी, है ना? तो ए को जब बी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, दोनों का सी आएगा और दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटा नंबर ही लेते हैं ना, 8/4 डिवाइड बाय इसमें लेते हैं 6/4 × 2/6, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना जब डिवाइड होता है, तुम जब इस डिवाइड कर रहे हो ना ये फ्रैक्शंस में ऐसे रैशनल नंबर्स को, तो जब इसको इनटू में कन्वर्ट करना होगा तो ये जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे या क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा,
ना, ये ऊपर चला गया नीचे। और रेसिप्रोकल भी है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है रेसिप्रोकल है, एडिटिव इन्वर्स वगैरह है, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 2 3 6 2 4 8 200 2 2 4 कितना हुआ, 4 2 3 6। ओके, तो 4 बाय 6 आया, और फर्दर कटेगा लेकिन छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, मेरा अगेन एक रेशन नंबर आया है ना, दो रेशन नंबर को जब डिवाइड किया तो फिर से मेरा ये क्या आ रहा है, रेशन नंबर आ रहा है, और एक नंबर यूज, दो रेशन नंबर लेते हैं अलग, 12 बाय 16 डिवाइड बाय 8 बाय 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 12 बाय 16, ये डिवाइड चेंज करेंगे इनटू में तो क्या होगा, 4 बाय 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो 4 2 8 4 3 12 4 1 4 4 4 16 कितना आया, 3 बाय 4 2 8, तो 8 बाय 3 अगेन मेरा एक रेशनल नंबर। तो जो दो रेशनल नंबर को डिवाइड करके भी मेरा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, और ये दोनों ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सी, मतलब ये पार्ट ये इसके इक्वल हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, हम सीधा नहीं बोल सकते कि डिवीजन में सब इक्वल होगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। कैसा है, अगर ए को डिवाइड करें ना 0 से, ठीक है, ए को अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। मतलब कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ रैशनल नंबर के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर, हाँ तुम्हें सिखाया मैंने, मैंने एक वीडियो भी डाला है, लिंक में दे दूंगा वो, उसमें मैंने इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सब वहाँ पे एकदम सिंपल में टू द पॉइंट सिखाया, समझाया, तो वहाँ पे जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको फिर भी। तो ए डिवाइड बाई 0, जब 0 0 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये तब बोल नहीं सकते कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्यों, देखो। अगर सपोज ये कोई भी 2 बाई 3 है, उसको डिवाइड करते 0 से, तो अगर मैं करूँ सपोज 0, हाँ ये भी रैशनल नंबर बोल सकते, क्योंकि 0 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 बाय 1, है ना। सपोज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, सपोज ये है ए डिवाइड बाई 0, है ना, तो ए में कोई भी नंबर लेते हैं 2 बाई 3 डिवाइड बाई 0। अब देखो 0 को क्या, 0 बाय 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि 1 है, ठीक है। तुम्हारा अगर नीचे सपोज ये मैंने सिंगल 4 लिखा है, इसको एक्चुअली में हम लोग 1 4 बाय 1 बोल सकते हैं, ठीक है, तो वैसे ही 0 बाय 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज तुम्हारा 0 बाय 1 है, तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 0 हो जाएगा ना। लेकिन हमें तो पता है जो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, वो पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां और जहां क्यू जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 आया तो वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। सो यहाँ पे वही बोला जाता है, अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, और क्यों नहीं होगा वो भी मैंने समझा दिया, क्यों। सपोज 0 से तुम इसको कर रहे हो ना, तो सपोज ये इंटू कर दिया तुमने, तो ये रेसिप्रोकल हो गया 1 बाय 0, और हमें पता है क्यों कभी भी ये जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सीखा यहाँ पे, डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, बट अगर हम लोग उसको 0 से करें तब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, एकदम सिंपल में ऐसा, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या, ये क्या बोलता है कि अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ, तो वो किसका इक्वल होगा, बी प्लस ए का, ठीक है। तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कोई भी सपोज कोई भी नंबर लूँ, यहाँ पे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 करूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, 8 इज इक्वल टू 8, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी ही जस्टिफाई करता है कि ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। तो जो भी सपोज इसके बदले मैं कोई भी दो रैशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो दो रैशनल नंबर लेता हूँ वो इक्वल होगा इसका, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फोर बाय 3 प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी है ना, इस फॉर्म में है, तो बी प्लस ए करेंगे, यानी 5 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 के फॉर्म में यहाँ पे लाएंगे, ठीक
ठीक है, तो इसको करते कितना होगा, ये 3 9 इक्वल्स टू इट 3 3 और इन 9, है ना, तो इक्वल हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये इसका ये इक्वल हो गया, राइट। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे, एडिशन में, है ना। एडिशन में क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, क्यों, जब मैंने ए प्लस बी इक्वल्स इन दोनों को प्लस किया किसके साथ, बी प्लस ए के साथ, ठीक है, सॉरी, जब मैंने ए प्लस बी को प्लस किया और बी प्लस ए को प्लस किया, तो दोनों मेरा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 6 बाय 8 प्लस 4 बाय 8 इज इक्वल टू 4 बाय 8 प्लस 6 बाय 8 करते हैं, 8 10 8 10, अगेन सेम आया, मेरा इक्वल आया, है ना। तो ये चीज इसको ये जस्टिफाई कर रहा है ये चीज को, है ना, ये लोग ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर ऑफ आर रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है, तो अंडर एडिशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। ओके, सो अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन। सो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में ये चेक करेंगे ये अप्लाई होगा कि नहीं। तो सेम, जब अगर मैं कोई भी नंबर ए माइनस बी को माइनस करता हूँ, ये किसका इक्वल होगा, बी माइनस ए का, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर लेता है, 8 बाय 10 माइनस 2 बाय 10 इक्वल्स टू बी, 2 आगे आएगा, 8 बाय 10, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये वाला देखो, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, यानी बी पहले आया उसके बाद ए, तो सेम वही क्या, यहाँ पे 8 बाय 10 या -2 बाय 10, पहले आया अभी 2 बाय 10, अब उसके बाद माइनस करते 8 बाय 10, सेम इस फॉर्म में है। तो चेक करेंगे दोनों इक्वल होता है कि नहीं, 10 8 माइनस 2 6 इक्वल्स टू 10 2 माइनस 8 माइनस 6 होगा, है ना। तो क्या अब बोलो, क्या ये इक्वल है, यस नहीं है, क्योंकि ये माइनस चीज नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये इक्वल है। और एक एग्जांपल देते हैं, 12 बाय 14 -6 बाय 14 इक्वल्स टू, और सॉरी इसमें लेंगे क्या, 6 बाय 14 -12 बाय 14, सेम इस फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया। चेक करते हैं 14, 12 माइनस 6 कितना होगा, इसमें 6 ही होगा, फिर से 6 आ रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, -6 बाय 14, ठीक है। तो देखो सेम ये भी पॉजिटिव, अब ये वाला नेगेटिव में आ गया, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि जब हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका अलग वैल्यू आ रहा है, इसका अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये नेगेटिव में आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, बट ये नेगेटिव में हो रहा है, ये पॉजिटिव में हो रहा है। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। तो क्लियर हो गया, यहाँ एडिशन में होता है अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। अब मल्टीप्लिकेशन में करके देखते हैं फटाफट, चलिए। सो अभी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चेक करेंगे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्या ए इंटू बी वो किसका इक्वल होगा, बी इंटू ए का इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते अगेन, लेते हैं 6 बाय 7 लेते हैं इंटू 2 बाय 7 इक्वल्स टू 6 बाय 7, सॉरी 2 बाय 7, अब लेंगे 2 बाय 7 इंटू 6 बाय 7, इस फॉर्म में हम लोग ने पुट कर दिया, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ए इंटू बी 6 बाय 7 इंटू 2 बाय 7, बी इंटू ए 2 बाय 7 इंटू 6 बाय 7। तो अब देखते हैं दोनों इक्वल होता है कि नहीं। 7 7 जो 49, 6 2 जो 12,
सेवन सेवन से 14 आ गई, 6 2 12, तो ये मेरा इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली इक्वल आएगा, सेम सेम है। तो और एक लेते हैं, 3 बाई 6 इंटू 4 बाय, दूसरा नंबर लेते हैं, 3 इक्वल्स टू 4 बाय 3 इंटू 3 बाय 6, 6 3 जो 18, 3 4 जो 12, 3 6 जो 18, 4 3 जो 12। तो ये देख के पता चलता है कि ये इक्वल होगा और हो रहा है, ये है ना, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, कि अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगा। जब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं लास्ट डिविजन, सेम ए डिवाइड बाई बी विल बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई ए। तो इस दोनों का जो डिविजन जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा बी डिवाइड बाई ए जब करेंगे उसका, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर लेते हैं, 8 बाय 4 डिवाइड बाय 6 बाय 2 इक्वल्स टू 6 बाय 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 8 बाय 4, है ना। सो ए फॉर्म में हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे, ए डिवाइड बाई बी, 8 बाई 4 डिवाइड बाई 6 बाई 2 इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई ए, है ना, 6 बाई 2 डिवाइड 8 बाई 4, है ना। सो अभी सॉल्व करते हैं, 8 बाय 4 इंटू हो जाएगा ये, तो 2 बाई 6 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 बाई 2 इंटू 4 बाई 8 हो जाएगा, राइट। तो 2 2 2 2 4 6 6, सॉरी 2 2 6 2 4 8 काटते इसमें भी 4, तो कितना आया, 4 1 4 और ये कितना, 3 2 6 इक्वल्स टू 4 1 4 3 2 6, क्या ये इक्वल आया, नहीं आया, राइट। यस 4 बाई 6 आया और यहाँ पे 6 बाई 4, विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज नॉट इक्वल, यानी ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई बी डिवाइड बाई ए। जब हम लोग कब, जब हम लोग डिविजन करते हैं तब ये इसका इक्वल नहीं होता है। तो इससे और एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, 12 बाय 14 डिवाइड बाय 8 बाय 10 ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, अभी बी वाला आएगा पहले, डिवाइड बाय 12 बाय 14, आ रहा है समझ में, ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए, ठीक है। सेम फॉर्म में यहाँ पे हम लोग ने क्या इसको प्लेस कर दिया है, तो अब चेक करते हैं सॉल्व करके, 12 बाय 14 डिवाइड इनटू करेंगे यहाँ पे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 8 बाय 10 इनटू 14 बाय 12, राइट। सो अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 7 जो 14, 2 5 जो 10, 2 4 जो 8, 2 6 जो 12, फिर से जाए, अच्छा ये तो सीधा कर जाएगा, ठीक है, 4 2 जो 8, 4 3 जो 12, 2 5 जो 10, 2 7 जो 14, तो क्या आया इसमें, 3 5 जो 15, 2 7 जो 14 इक्वल्स टू 2 7 जो 14, 3 5 जो 15, ये 14 है, 14 और ये 15, तो 15 बाय 14, 14 बाय 15 क्या यहाँ पे ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 15 बाय 4 आया, यहाँ पे 14 बाय 15 आया, राइट। सो यहाँ पे ये क्या, ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, ये हो रहा है, राइट। यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिविजन में एप्लीकेबल नहीं होता है। जब हम लोग दो नेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं वहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है, करेक्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, है ना। तो नेक्स्ट और प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसा नहीं कि ये मैंने दिया आप ये एग्जांपल्स दे इसी से करो, आप दूसरा एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे ट्राई करोगे चीजों को अपने से ट्राई करोगे करने के लिए, तो उतना ज्यादा सीखोगे, ओके। ये तो मैंने करा दिया, इसको देख के नोट कर लोगे इस, होगी बट खुद एक दो एक्स्ट्रा नंबर यूज करके देख लेना क्या ये सही में ऐसा ऐसा हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो जब खुद करते हो ना तब तुम बोल सकते हो हाँ मुझे आ गया, ओके। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से,